सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। ये रैमजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी जो भारत डेवलप कर रहा है, और इसमें मेनली दो प्रकार के प्रोपेलेंट होते हैं, पहला नॉजललेस बूस्टर और दूसरा फ्यूलिस सस्टेनर प्रोपेलेंट। नॉजललेस बूस्टर प्रोपेलेंट का बेनिफिट ये है कि इसके अंदर नॉजल नहीं है, प्रोपेलेंट के अंदर ही नॉजल का शेप दिया गया है, और ये प्रोपेलेंट बर्न होने के बाद इस प्रोपल्शन सिस्टम को 2 मार्क से ज़्यादा की स्पीड देता है, और उसके बाद फ्यूलिस सस्टेनर प्रोपेलेंट बर्न होता है। ये फ्यूलिस सस्टेनर प्रोपेलेंट बोरॉन बेस्ड फ्यूलिस प्रोपेलेंट है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और ये नॉर्मल जो मैग्नीशियम बेस्ड प्रोपेलेंट है उससे करीब करीब 2 गुना ज़्यादा स्पेसिफिक इंपल्स देता है। तो हमारा टारगेट मोर देन 1000 सेकेंड ISP का है, और ये एयर इंटेक्स है जहाँ से एयर आती है, और फ्यूलिस गैसेस प्रोड्यूस होने के बाद वो एयर यहाँ पे मिक्स होती है इसके साथ और फाइनल थ्रस्ट प्रदान करती है। आप इसके जो वेरिएंट्स के बारे में बता रहे थे ना, कितने कितने वेरिएंट्स बन सकते हैं, किस प्रकार के वेरिएंट बन सकते हैं? तो ये एक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, तो ये प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगी तो इसके बेसिस पे हम कई तरीके की मिसाइल्स बना सकते हैं, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल एक्सेट्रा। बेसिकली ये जो प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी है ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए डेवलप करी जा रही है। तो जैसे कि हमारा जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोपेलेंट मिसाइल है अस्त्रा, तो जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं उसके कंपेटेबल ये बनाया गया है। तो हम किसी भी फाइटर प्लेन में जैसे कि रफेल अभी हम ले रहे हैं तो वहाँ पे भी हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ है 4 मीटर के अंदर है और डायमीटर 200 mm के अंदर है, तो इसको SU-30 में भी आराम से लगाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी कब तक लाइव हो पाएगी? काफ़ी एडवांस स्टेज में है, करीब 70% काम हो चुका है, तो करीब करीब 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर हम लोग इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे और फिर बाद में मिसाइल सिस्टम में इसको कन्वर्ट करके आराम से यूज़ किया जा सकता है।